चाहूंगी अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि रशियन वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन है, चाइनीज वैक्सीन है, आप तीनों में से कौन सी लगवाना पसंद करेंगे? भाई जिससे भी मुझे आराम आ जाए, बाखत्म कैसे पता लगेगा आराम किससे आ रहा है? वो देखिए इंडियन से आराम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ किससे आराम नहीं आएगा, इंडियन इंडियन वैक्सीन से। नहीं, मैं बड़ा वोकल रहा हूँ एंड आई हैव, अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये कहा कि आप इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करें। इंडिया टुडे ने मेरी वो वीडियो डाउनलोड करके अपने वो गौरव सावंत ने अपने चैनल में चला दी, इंडिया टुडे में उसकी मेरी वीडियो चला दी और वो अपने उन्होंने डाउनलोड की उसको और उसने वो अपने कट्स बना बना के पता नहीं किस तरह उन्होंने किया, तो वो उन्होंने लगाया। देखिए जी, कंवर चीमा कह रहे थे कि इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए और मैं कह रहा हूँ इसमें कौन सी बात है। देखें, एज लॉन्ग एज मैं तो इसका भी बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूँ, पाकिस्तान अपनी 90% वैक्सीन तो इंडिया से मंगवाता है, तो ये वैक्सीन इंडिया में मंगवाने में क्या मसला होगा? तो ये तो कोई बात नहीं है। और देखें, आपको इलाज करवाना है, आप और रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं, बहुत कुछ मंगवाते हैं, और ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए भाई, ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए। और इंडिया को चाहिए कि वो जो कोविड के चक्कर में इन्होंने हमें मेडिसिन बेचनी है, जो बेचनी है वैक्सीन, वो बेचे, ये उसके ऊपर बैठ गए, ये वो वैक्सीन ही नहीं बेच रहे ममालिक को और कह रहे नहीं। इन्होंने क्या किया है कि कोवैक्स ने एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट था, अच्छा उसमें यह है कि पूरी दुनिया को वैक्सीन जानी है कोवैक्स के अरेंजमेंट में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिए पहले रख लिया, खुद ही बना के खुद ही अपने लिए रख लिया और बाकी कह रहे थानू सी बात देते हैं, एक ही तरीका भाई। सो इसमें तो पूरी दुनिया जो है इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी वैक्सीन के ऊपर बैठ गए हैं, जरूरत आपको भी है, ये नहीं है कि जरूरत नहीं है, और जारी और इनका भी कसूर नहीं है, वो सप्लाई चेन के मसले हैं, इनके पास सप्लाई नहीं आ रही। वो अमेरिकन जो कंपनी है, उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1950 का एक एक्ट है वो लागू कर दिया है कि जी क्योंकि पहले डोमेस्टिकली जरूरत है तो वो जो आना था रॉ मटेरियल वो इंडिया नहीं पहुंचा, तो कुछ गलतियां इनकी भी हैं और कुछ इनकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो वैक्सीन जो मेरे लिए और लोगों के लिए अच्छी है वो लगा लें। बिल्कुल ठीक, वैसे इसमें जी I'm sorry, मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ फैक्चुअल पोजीशन पे कमर ने जो दो तीन बातें बोली है। देखिए कमर, आपको एस्ट्राजेनेका जो कि इंडियन वैक्सीन है, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वैक्सीन की विच इज कॉल्ड गावी, उसके थ्रू मिल रही है। दूसरी बात ये कहना कि आप इंटर कंट्री लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी, अभी आप लेकिन शुगर और कॉटन की रिक्वेस्ट करके फिर यूटर्न मार जा रहे हो, तो फिर पेंडेमिक वाली वैक्सीन वाली रिक्वेस्ट आप तो खरीदनी होगी ना, आपको आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। आप अगर नई इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहते हो उन कंपनीज को डायरेक्टली कर लीजिए, पर गावी के थ्रू जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान को ऑलरेडी मेड इन इंडिया वैक्सीन मिल रही है। दूसरी बात आपका ये कहना कि इंडियंस ने वैक्सीन रख ली है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा था इंडियन गवर्नमेंट का, हमने तो, मैं आई कवर फॉरेन अफेयर्स और पिछले एक महीने में जहां जहां पर इंडियन एम्बेसडर्स और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने वैक्सीन भेजी है ना, उन कंट्रीज के नाम भी मैं नहीं सुना था, क्योंकि मैं 10-12 साल से फॉरेन अफेयर्स कर रहा हूँ। उन उन कंट्रीज को, कैरिबियन कंट्रीज को भेजी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 72,000 है, वो एक वैक्सीन का डब्बा लेने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ गए। तो ये कहना कि इंडिया ने वैक्सीन दबा के रख ली यहाँ पे, मैं आपको, देखिए 3 महीना हो गया हम फोर्थ मंथ में, आपको आपके ऑडियंस को मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट्स गो बाय फैक्ट्स। जनवरी में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुई, मिड जनवरी में, वी आर इन दी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए। हमारे टोटल वैक्सीनेशन कितने हुए? ओनली 8 करोड़, एंड दैट डज नॉट इंक्लूड डबल शॉट्स, ओनली 8 करोड़ हुए हैं। हमारी पॉपुलेशन 130 है, अगर हम दबा के बैठे होते तो 3 महीने में खाली 8 करोड़ थोड़ी ना वैक्सीन लगती, हम दबा के बैठे होते तो 72,000 पॉपुलेशन वाली कंट्री को थोड़ी नहीं जाती। जहां तक रही बात कि पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, किस कंट्री को मिलनी चाहिए, वो तो या तो कंट्री गावी के थ्रू ले ले, या तो कंट्री उस प्राइवेट कंपनी को ले, फाइजर से किसी से बात कर ले, किसी से भारत बायोटेक से बात कर ले, दीज आर प्राइवेट कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट है, उनसे रिक्वेस्ट तो भेजे। आप मुझे बताइए किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है क्या?
आपने भेजी ही नहीं, ना कंपनी को भेजी ना गवर्नमेंट को भेजी, हाउ कैन यू क्लेम कि हमें नहीं दी, हमें देनी चाहिए। आप भेजिए तो सही, आप मांगिए तो सही, और जो नॉर्म है इंटरनेशनल गावी के थ्रू, उसके थ्रू तो आपको मिले नहीं है। लेकिन बिल्कुल आशीष जैसे कह रहे हैं चीमा साहब, आपने बात सुनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये बात भी साथ ही जोड़ दूं चीमा साहब आपसे पूछने के लिए कि इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्डर करते हैं ट्रेड शुरू करने के लिए, शुगर लेंगे, कॉटन लेंगे, ये वो, और उसके बाद एज अ मिनिस्टर इमरान खान जो है जब प्राइम मिनिस्टर को भेजते तो भाई बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ ये क्वेश्चन में, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब इमरान खान अपने आप को ही मना कर देते हैं, मतलब ये एक अजीब सी बात है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसे कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट, जो कि कुछ आर्टिकल्स भी आए इंडिया में भी आए, कुछ आर्टिकल्स इस बारे में लिखा गया कि एक स्टेट तो बाजवा साहब है, एक इमरान खान साहब है, लेकिन एक स्टेट और है जो कि हमें नजर नहीं आती है सच, लेकिन ये कि वो इंडिया और पाकिस्तान में पीस प्रोसेस नहीं चलने देते, वो कोई ऐसी बात नहीं होने देते जिससे झगड़ा खत्म हो और लोग आराम से रहें, वरना इमरान खान खुद ही ऑर्डर करते हैं, खुद ही अपने लेटर को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब ये किस किस्म का मजाक चल रहा है। देखिए पहली तो बात है पाकिस्तान में एक ही स्टेट है और वो रियासत पाकिस्तान है, और ये इंडियन प्रोपेगेंडा है जारी बात है ये करना कि जी बाजवा साहब जो है वो स्टेट इन स्टेट है। हर मुल्क के अंदर फौज का एक रोल होता है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल रहा है, तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात जो इमरान खान साहब वाली, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को खत्म करें। और देखिए लीडर जो होता है ना, लीडर वो अवाम के प्रेशर में नहीं आता, वो अपना फैसला करता है, वो फैसला करता है और सुना देता है। मैं एक बात बताऊं आपको आरजू, मैंने इस पे सोचा कि क्या चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि ये जितने सियासतदान है ना, ये अपने छोटे छोटे गोल्स के लिए, छोटे छोटे मकासद के लिए ये अवाम को इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर देते हैं। जैसे अभी फॉरेन मिनिस्टर साहब दोनों गए हुए थे उधर, तो वो हमारी एक कुलीग हैं, दोस्त हैं हमारी, मेरी कोर्समेट हुआ करती थी मोना खान, उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए वो गई थी ताजिकिस्तान गई थी, उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट का इंटरव्यू किया, उन्होंने छापा है वो विदाउट नेमिंग हिम, और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि ये जो टीवी है ना, इन्होंने टाकरे दिखा दिखा के ना जो हाल कर दिया है सियासतदानों का, अब ये बेचारे एक दूसरे के सामने हाथ भी नहीं मिला सकते। सो पहले ये खुद रेडिकलाइजेशन करते हैं, डिस्कोर्स रेडिकलाइज करते हैं, बाद में फिर ये इस काबिल ही नहीं रहते कि वो बात भी कर सकें। इमरान खान का भी यही कसूर है, उन्होंने भी, मुझे याद है जिस दिन इलेक्शन था 2018 को, आई फॉरगॉट द डेट, आई थिंक 25 जुलाई को, इमरान खान साहब वोट डाल के आए और बाहर का आके कहा नवाज शरीफ तू मोदी का यार है, तू फलाना है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा आज जैसे ही हुकूमत बदली, ठीक है, साथ ही पैगाम भेज दिया भारत में जी आई एम द प्राइम मिनिस्टर और मैं ये, वो देखो भाई आप तो, मुझे पता है, हमें सबको पता है आपने इलेक्शन लड़ने हैं, पर ये ना करो जिससे अवाम का नुकसान हो, आपकी अवाम का नुकसान होता है, अवाम को मुल्कों का नुकसान होता है, आपका क्या है, आपने तो आए चले गए यार, आप लोग अमीर लोग हैं, आपका क्या मसला प्रॉब्लम है, आपको क्या फर्क पड़ता है भारत से डायलॉग हो या ना हो, अवाम का सोचते हैं, अवाम क्या करती है। और इमरान खान साहब लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी में जितने लोग हैं ये लीडरशिप है, लीडरशिप को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, इनको होस्टेज नहीं बनना, और भारत से या तो हो ना कि आप दूसरी 2019 में हमने आरजू जब ट्रेड बंद की तो $2 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हो रही थी, ठीक है, इतनी हो रही, हालांकि हमारी कैपेसिटी भारत और पाकिस्तान की $35 बिलियन की है, हम इतनी ट्रेड कर सकते हैं अगर प्रॉपरली खोल दें, लेकिन हम कितनी $2 बिलियन। अच्छा जैसे ट्रेड ऑफ की 6 दिन बाद पता चला हो ये भारत से रेबीज की मेडिसिन आती थी, अब क्या करेंगे, चलो दोबारा ट्रेड खोल लेते हैं। तो मतलब ममालिक ऐसे तो नहीं चलती, आपकी डिपेंडेंस है, आपकी ये इंटरकनेक्टेडनेस है, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ये प्रॉपर एक थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, कि किस तरह, जिस तरह वो कॉबवेब नहीं होता जो आप मकड़ी का जाला होता है, ये मकड़ी के जाले की तरह दुनिया आपस में एक दूसरे की इस तरह फंसी हुई है। सो ये आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम भी भारत के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और हमें भी इस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए
भारत हम पे डिपेंडेंट हो, ताकि ये कहा जाता है कि जितनी ज्यादा ट्रेड होगी बिजनेस होगा, ममालिक जब अवाम डिपेंडेंट हो जाएगी तो जो जो लीडरशिप होती है वो किसी किस्म का रेडिकल फैसला या कुछ जंगो जदल इधर नहीं जा सकती। सो इमरान खान साहब लीड फ्रॉम द फ्रंट, इंडिया से अगर बाकी चीजें आ रही हैं तो ये भी चीजें आने दें, लेकिन अगर आप इस तरह अपनी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ के कह दें कि नहीं हाँ ठीक है ये जरूरी है ट्रेड होनी चाहिए हमें इसका बड़ा फायदा है, और बाहर निकल के कहें नहीं मैं एज ए वजीर आजम इसको रिजेक्ट करता हूँ, तो ये कंफ्यूजन है ये, और क्या है मतलब यार बस करो मतलब।